अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सबको पीछे हटाओ, हटिए यहाँ से, हटिए, चलिए, चलो हटो पीछे, हटो यहाँ से, ये प्रसाद बढ़ रहा है क्या यहाँ पे? तुम लोग यहाँ चलो भागो यहाँ से, चलो काम नहीं है क्या? चलो जी सर, आठ सर, तुम दरवाजा खुलवाओ वहां से। ओके सर। हाँ सर, यस सर, डबल मर्डर है सर, जस्ट मेरे घर के सामने वाले घर में।
जी, एक लेडी है और उसका बेटा है। टीचर है सर। ओके सर, सर आई गेट बैक टू यू सर। ये क्या कर रही हैं? अंदर लेके जाओ इसे। नहीं अम्मी, अम्मी नहीं। चल बेटा अंदर। नहीं, रोना धोना बंद करा इसका, अंदर ले जाओ। अम्मी नहीं, चलो बेटा अंदर चलो। सर अंदर से सब लॉक है, खिड़की दरवाजा सब। ऊपर से देखा, छत की तरफ से जाओ देखो। ओके सर। और सुनो। यस सर। अगर ऊपर से भी ना हो दरवाजा थोड़ा। ओके सर। कहाँ चले जाए पीछे? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? साहब आएगा तो उस बात कीजिएगा। अच्छा तो ये है क्या साहब, चालू है ड्रामा? कौन है आप? अरे साहब मुझे नहीं पहचाना, मंगल पांडे सोशल वर्कर। अरे बोलो बोलो, खुल के बोलो, पब्लिक का मामला है, खुल के बोलो। देखिए पांडे जी, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ, आप जाइए यहाँ से, ये दूसरी तरह का मामला। अरे ऐसे कैसे चले जाए साहब, पब्लिक का मामला, ऐसे जा ही नहीं सकते। डरो मत, खुल के बोलो, खुल के बोलो। पब्लिक के लिए हम है ना पांडे जी? अरे आपके भरोसे नहीं जी रहे हम, किस्मत अच्छी है इसलिए जी रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा ना तो किस दिन हम भी पाए जाएंगे अपने घर के अंदर मुंह फैलाए हुए। यहाँ से जा सकते हैं सर। सर डबल नहीं सिंगल मर्डर है सर, और खूनी घर के अंदर ही है। नो सर, पहले डबल मर्डर लग रहा था, अभी सिंगल मर्डर है, बेटे ने मां को मार डाला। यस सर। ओके सर, अच्छी तरह से देखो, अंदर जाके दरवाजा खोलो। यस सर। और सुनो, कुछ हरकत करे तोड़ा देना। ओके सर। मम्मी सो रही है। क्यों मारा?
सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मुच्छे मामपात ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मुच्छे मामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मुच्छे मामृता। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, तू नीचे आ। दो मिनट और बस, अब नीचे आ, बोल दिया ना। मम्मी पूजा कर रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? डिस्टर्ब मैं नहीं, तू कर रहा है पूरे मोहल्ले को सुबह सुबह। समझा समझा कर हार गई कि ऊपर मत चढ़ा कर, और तू है कि बात मानता ही नहीं मेरी। अरे माँ मृत्युंजय जाप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मत कर मेरे लिए, बस अभी तुरंत नीचे आ जा, नहीं तो मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। कहाँ जा रही हूँ मम्मी, मत जाओ। आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ। Thank you.
ले जाओ इसे। इसकी माँ की बॉडी कहाँ है? हॉस्पिटल में है सर, पोस्टमार्टम के लिए। कुछ पता चला क्यों इसने अपनी माँ का खून किया? बहुत गर्म दिमाग का लड़का है सर, आए दिन भिड़ता रहता था लोगों से, अब अपनी माँ को ही मार डाला। लेकिन रीजन तो होगा कुछ? एक पागल आदमी के लिए क्या रीजन रीजन सर, किसी बात पर दिमाग सटक गया होगा, बस मार दिया चाकू। अरे खिड़की बंद करो। चाय। भाई मैंने स्कूटी गैरेज में दिया सर्विस के लिए, प्लीज ले लेना। हाँ जूही बेटा। हाँ अरे नाश्ता तो करती जाओ, हमेशा जल्दी में रहती है। चाय नहीं पहले कपड़े चेंज करो। अरे 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 फोन फेंक दिया मेरा, अम्मा की अंगूठी बेच के फोन लिया था। बस रुक गए, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चल अबे चल, तुझको देखता हूँ मैं, अभी उतारता हूँ तेरी हीरोगिरी में। अरे जल्दी कर, अबे रुक क्या रहा है, चल अबे तेरी तो। चलो साले, छोड़ूंगा नहीं तुझको, मेरा फोन तोड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू जानता नहीं है मुझे कौन हूँ मैं। Oh, I have a soul that prophesies evil. I feel that I see. Oh, I have a soul that prophesies evil. I feel that I see. Now that you are so much below me, as a dead person, lying at the bottom of a grave, how are you, Romeo? And trust me, love, in my eyes, you look pale, like a dead body. Bye, goodbye, goodbye. Is he dumb or something? No, not at all. तुम्हारी परफॉर्मेंस ट्रूथफुल नहीं थी, वरना वो तुम्हारे साथ जरूर इन्वॉल्व होता, यू नो। अच्छा, यू वांट टू सी माय परफॉर्मेंस? ऐसा इन्वॉल्व करूंगी कि पीछे पीछे भागता हुआ आएगा दुम हिलाते हुए। ओए होए। हाय। हाय। क्या पढ़ रहे हो? ओए लैला मजनू। रोमियो एंड जूलियट। अजी सेम सेम, उधर रोमियो जूलियट और इधर लैला मजनू। भाग्या से
तीन दिन से रिमांड पर है डॉक्टर साहब, कुछ बोलता ही नहीं। अपनी माँ को क्यों मारा? आप ट्राई कीजिए अपने तरीके से। ट्राई वराई क्या करना है सर, शक्ल से दिखता ही पागल है। तुम्हारा नाम क्या है? What's your name? किस क्लास में पढ़ते हो? बोलो राम। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? क्यों मारा तुमने अपनी माँ? Not abnormal, लेकिन ये उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। जब उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तभी रिएक्ट करता है, स्पेशली जब हम उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिज मदर इज डेड एंड ही किल्ड हर। मतलब उसका दिमाग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसकी माँ मर चुकी है। It means he's mentally unstable. Yes. No. It doesn't mean he is mentally unstable. वो सिर्फ अपने emotions के extreme side पे जी रहा है। अक्सर normal लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये बोलता क्यों नहीं? Because this is a case of a brief psychotic disorder. Anything can happen in such situation. ऐसे cases में अगर किसी वजह से इंसान के इमोशंस को चोट पहुंचती है तो वो उस सच्चाई को भी मानने से इनकार कर देता है और अपने इमोशंस के मुताबिक एक अपना सच क्रिएट करता है। और इस वक्त उसका सच ये है कि उसकी माँ मरी नहीं है बल्कि सो रही है। क्या इधर उधर की बातें करके टाइम खराब कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप बस सर्टिफिकेट दे दीजिए कि यह पागल है, बाकी हम सब देख लेंगे। आप इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचे कि वो पागल है? अरे उसका हुलिया देख के लगता है। और मेरा हुलिया देख के क्या लगता है आपको? हैं, देखिए इन बालों को देख के, इस दाढ़ी को देख के क्या लगता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं या पागल? देखिए डॉक्टर साहब, आप जी देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख कर ही अंदाजा लगा सकता हूं कि आप बहुत टेंशन में है और जल्दबाजी भी बहुत है आपको। लगता है सर्टिफिकेट की जरूरत उसको नहीं इनको है। दूं आपको सर्टिफिकेट? अरे आप तो खामखा। डोंट ट्राई टू टीच मी माय जॉब इंस्पेक्टर खान। लेकिन ये तो खान
तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ब्रेन इमेजिंग टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको साइको एनालाइज करूंगा और उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि उसकी दिमागी हालत क्या है। वैसे डॉक्टर साहब आपके हिसाब से वो कब तक बयान देने लायक हो जाएगा? डिपेंड्स, हो सकता है किसी चीज को देखकर या किसी बात से वो एकदम नॉर्मल हो जाए, और वैसे हफ्तों भी लग सकते हैं। आधा पागल तो वो खुद है सर, चेकअप करने के बजाय बॉल खेल रहा था उसके साथ, ये भी कोई तरीका है? कंट्रोल खान, वी कांट फोर्स हिम। ओके सर। थाने पहुंचिए, कुछ करते हैं। ओके सर। करना क्या है, अच्छी तरह ठुकाई करो, सब मानने का साल है। चलो गाड़ी निकालो। अरे वीरेंद्र, अरे नहीं जरा, क्या हुआ? क्यों बे? अरे यार धक्का लगा, अंधे की तरह गाड़ी चलाता है, दिखाई नहीं देता। सी सड़क पे गाड़ी चला के चला, हटा गाड़ी। सर सर हटा सर, सर गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। अरे तो सीख कर मांगना, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो कौन भरता नुकसान? क्या हो गया? शुक्ला जी की वाइफ की तबीयत खराब है, डॉक्टर को लेके जाना, हटवाओ जल्दी से। लेकिन हुआ क्या है? अरे दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट होते होते बताए कहाँ सर? ए, पीछे करो गाड़ी, पीछे करो और पीछे चलो, पीछे। सर 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 सर, गोली भाग गया सर। क्या? हेलो, जी 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 जी, फोन सर। कौन है? खान साहब सर। हाँ खान बोलो। वो अपनी वैन विधायक जी की गाड़ी से जरा टच हो गई थी, उसी अफरा तफरी में वो लड़का भाग गया। क्या? जी सर, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी तो मुझे। क्या कर रहे हो खान, हथकड़ी नहीं लगाई थी क्या? लगाई थी सर। तो फिर कैसे भाग गया? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? घंटा। सॉरी सर। सॉरी सर, मैं कोशिश कर... कोशिश नहीं करो। डॉक्टर नेगी को फोन लगाओ। हेलो, माँ की डेड बॉडी कहाँ है? सर, घर से भाग के इंटरकास्ट। उनका पति भाग गया सर, जब राम उनके पेट में था। कोई रिलेटिव? भाई हमने तो कभी किसी को नहीं देखा। कोई भी नहीं? घर से भागी थी ना सर, तो घर वालों ने कभी पूछा नहीं, और उसने भी पलटकर कभी उनकी ओर नहीं देखा। बड़ी ही स्वाभिमानी औरत थी सर, दिल की नेक, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
बेटे के लिए ही जी रही थी और माँ बेटे के बीच कोई लड़ाई झगड़ा? नो नेवर। माँ को तो खरोंच भी आ जाए तो वो पागल हो जाता था, बट ही वॉज वेरी अग्रेसिव। एक बार तो क्या हुआ कि कॉलेज में म्यूजिकल प्ले की रिहर्सल चल रही थी और राम रिहर्सल पे लेट पहुंचा। बॉल देना यार, अभी जल्दी जाना डांसर। समझ में नहीं आता तुझे, सुना नहीं देता, क्या बोल ले क्या? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर की प्ले हैमलेट का ये सेंटेंस आज भी इतना रेलेवेंट और कंटेम्प्रेरी क्यों है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ओके मैम, मैम जल्दी चलिए, राम एंड विकी आर फाइटिंग। क्या? हाँ। छोड़ दे, छोड़ दे। राम, छोड़ो उसे। राम, छोड़ इसे।
मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं अर्चना। सोचो अगर उस लड़के को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता उसके पेरेंट्स को। लेकिन सर, राम की कोई गलती नहीं थी। ठीक है अर्चना, मैं मानता हूं, बट द वे ही रिएक्ट्स सो वायलेंटली, आई मीन, देखो मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ। सर प्लीज, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है, लेकिन ऐसी ही हरकतें करता रहा तो मुझे डर है किसी दिन कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा वो। देखो अर्चना, अब तक तो मैं संभालता आया हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर, अर्चना देखो, तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? आई मीन, उसे किसी हॉस्टल में भेज दो, मेक हिम इंडिपेंडेंट। लोगों के बीच रहेगा, घुलेगा मिलेगा, तो हो सकता है शायद उसका नेचर चेंज हो जाए। एंड इफ यू आर रेडी, आई कैन रियली हेल्प यू। मैं भेज दूं सर, लेकिन वो जाएगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझे पाल रहा है। अगर वो चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे मैं, आई मीन, एक बार ट्राई तो करो, शायद बात बनी जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उसका कोई दोस्त? खड़े क्यों, बैठो। क्या सर, आपने मेरे बेटे को इंक्वायरी के लिए बुलाया? इंक्वायरी नहीं खान साहब, बस हल्की फुल्की पूछताछ। वो क्या नई चीज बता देगा सर, सारी दुनिया जानती है वो लड़का पागल। आई एम डूइंग माय ड्यूटी खान। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन वो राम का दोस्त भी तो है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हो सकता है कोई नई बात पता चले। लेकिन सर आप खुद जाओगे उसे लेने या मैं किसी और को भेजूं? जाने दीजिए सर, खान साहब इतने सीनियर हैं, बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हैं, क्यों बुला रहे हैं आप उनके बेटे को सर? मैं भी पर्सनली जानता हूं उसको, बहुत ही अच्छा लड़का है सर। तुम्हारे बेटे को बुलवा लूं? नो सर। तो फिर जाओ अपने काम पर ध्यान दो, मेरी जनरल नॉलेज मत बढ़ाओ। यस सर। समीर, चलो बैठो। अरे इसमें क्या हो रहा, ऊपर तक बढ़ता है। और लाओ खान साहब आके देखिए, खान साहब आके चलो। अरे बाहर जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं फालतू लोग। सर, सर क्या हुआ, कितना मिला? नाम? समीर। पूरा नाम? समीर अहमद खान। बाप का नाम?
आपका नाम? साजिद अहमद खान। क्या करते हैं? सब इंस्पेक्टर हैं सर। कहाँ? यहीं पर सर। राम को कब से जानते हो? यही कोई 4-5 साल से सर। क्यों मारा उसने अपनी माँ को? I don't know सर। मैं जो जो पूछूं सच सच बताना, दोबारा नहीं बुलाऊंगा, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। ओके सर, लेकिन अबू से? बहुत डर लगता है अबू से? जी सर। क्यों? सुनो अबू, अबू 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 मैंने पी लिया था अबू। सिगरेट? अबू हैं? सिगरेट? अबू नहीं पीऊंगा। सिगरेट पीता है? दिमाग दुरुस्त रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद तो मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं तो उस बस में भी कभी नहीं चढ़ा साहब। सच बोल रहे हो? हाँ चीफ साहब, माँ कसम, मैं तो झगड़े टंटे से हमेशा दूर रहता हूँ। अच्छा, यहाँ सही बात है। ए बंद कर इसे। देख, अभी कुछ दिन बाद तुझे फिर आना पड़ेगा, हफ्ते भर बाद। क्यों चीफ साहब? बड़े साहब मिलेंगे तुझसे। हम तो एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं ना। कहाँ? वो अम्मा को लेकर वैष्णो देवी जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ऐसा कर तू जा अम्मा को लेकर वैष्णो देवी। चले सर। और लौट के आते तो मुझे बता। एसपी ऑफिस समझा? ओ हाँ, एटीएस वाले आ गए होंगे। जी सर। चलो, टेंशन मत लो चीफ साहब, मैं वापस आके आपको रिपोर्ट। ए बंद कर इसे। जयदीप जब्त कर ले इसका ये मोबाइल। राम भी करता है स्मोकिंग वगैरह? नो नो सर, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है सर, बस एक ही प्रॉब्लम सर उसमें, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है वो। हो सकता है माँ की किसी बात पर उसे गुस्सा आ गया हो। आई कांट से एनीथिंग सर, बट गुस्से में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है वो। ऐसा लगने लगता है जैसे उस पर कोई शैतान सवार हो गया हो, बिल्कुल होश में नहीं रहता। Come on.
शुक्रिया भाई। इट्स ओके। उस दिन मुझे लगा सर कि वो गुस्से में किसी की जान भी ले सकता है, और फिर मैं उससे थोड़ा दूर ही रहने लगा। कुछ नहीं। लड़ाई की तूने? नहीं। फिर ये खून कहां से आया? कुछ लोगों को पीटा। हे भगवान, पीटा किसको? पता नहीं, मैं नहीं जानता उनको। अरे फिर झगड़ा क्यों किया? जवाब क्यों नहीं देता? झगड़ा क्यों किया? लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। किस लड़की के साथ? उसे भी नहीं जानता। तो तू क्यों गया बीच में? पुलिस को इन्फॉर्म करता? पुलिस में जाने का टाइम नहीं था। उन्हें पीटने का टाइम था तेरे पास? यही सब करने के लिए हॉस्टल में नहीं जाना चाहता तू? एक दिन भी चैन से बैठा नहीं जाता तुझसे? हाँ तो क्या चुपचाप सब देखता रहता? नहीं, लोगों को मार, उठा के फेंक, दरवाजे तोड़, जो तुझे सही लगे वो तू कर। जज है तू तो? हाँ हूँ। मेरी आंखों के सामने कुछ गलत होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। किस किस को रोकेगा तू? जो दिख जाएगा गलत करते हुए। दुनिया भर में हजारों लोग गलत काम करते रहते हैं, तू क्या सबको रोकेगा? हाँ रोकूंगा। कल को मुझसे कुछ हो गया तो? कहाँ जा रहा है? जवाब दे, बोलता क्यों नहीं? कल को मुझसे कुछ गलत हो गया, क्या करेगा मेरे साथ? मार देगा मुझे? हाँ बोल, बोलता क्यों नहीं? मुझे भी मार देगा क्या? हाँ का नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, पता जी? हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। द्रोणम चाभीष्मम चाजयदथम चकर्णम तथा न्यापि युद्विरन मैं अहतां त्वम जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्वा जेसि रणे सप्तननम। अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे गए शूर वीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह युद्ध में तू दुश्मनों पे विजय प्राप्त करेगा, इसलिए युद्ध कर। आज किससे युद्ध करने का ज्ञान दे रहे हैं इसे? युद्ध नहीं, धर्म अधर्म का ज्ञान दे रहा हूँ। जो अधर्म का साथ देता है वो अधर्मी है, और अधर्मियों का सर्वनाश करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, चाहे वो अपना हो या पराया। बहुत अच्छा असर पड़ रहा है इस पर आपके ज्ञान का। आजकल रोज किसी न किसी को धर्म सिखा कर आता है। चलो राम। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो राम। कल 11वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। और कितने अध्याय बचे हैं अभी? 7। हे भगवान, इसका जब इतने में ये हाल है तो आखिरी अध्याय तक तो ये जेल में होगा। चल। प्रतिदिन महामृत्युंजय जाप कर रहे हो ना? हाँ, कर रहे कर रहे कर रहे, जैसा आपने कहा वैसा ही कर रहे, एक टांग पर खड़े होकर। चल। अच्छा गुरुदेव। क्या धर्म हुआ होगा उसकी माँ से? इस टेस्ट के मुताबिक सर्कमस्टेंसेस तो बिल्कुल उसके खिलाफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आई एग्री विद यू डॉक्टर, बट लेट्स सी। थैंक यू। Mm-hmm.
अरे राम, मैडम जी, अरे आपका देसी घी आ गया भाई। नाम क्या है तेरा? आत्माराम। अभी पता चल जाएगा कि तूने क्या किया है आराम को। पता चले? हाथ नीचे कर। कान, ये फुलझड़ी कौन है? टीचर के घर आता जाता रहता है, आज हाथ में आया है। अंदर भेजो इसको, अंदर ले जाओ उसे। कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल गया इन लोगों से ऐसे। अरे वो नहीं, कुछ खाओगे? हाँ, सुबह से पेट खा लिया इन लोगों ने, पानी तक को नहीं पूछा, सीधे ठुकाई शुरू कर दिए। क्या लोगे बोलो? विस्की है? नहीं मतलब चाय चल जाएगी साहब। और खाओगे क्या? अरे आप कहेंगे तो ईटा पत्थर खा लेंगे, वैसे बिरयानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है साहब। एक चिकन बिरयानी बोलो और चाय। चिकन नहीं जी साहब, बिरयानी वेज मंगवा दीजिए साहब। पूरा मुंह डर कर रहा है, एक खिलवाता है दूसरा पिटवाता है। अरे नमक तो डालना ही भूल गए, अरे पैसे कम से तो हमसे ले लेते। कोई स्टैंडर्ड नहीं। मुंह क्या देख रहे हो? पानी तो मंगवा दो। साहब बैठ जाओ। नाम क्या है तेरा? साहब गलती हुई, पूछूंगा भी नहीं साहब। प्रॉब्लम क्या है? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले नाम पूछते भी ठुकाई करते। अच्छा चलो बैठो इधर। आप बताओ नाम क्या है? आत्माराम। बाप का नाम? परमात्मा राम। पिजेट, यहीं के रहने वाले हो? जी साहब। घर में कौन कौन है? कोई नहीं है साहब। माँ बाप? 5 साल हो गया साहब। शादी हुई? ट्राई किया पर हुआ नहीं साहब। करता क्या है? टाटा सुमो चलाता हूँ साहब। लाइसेंस दिखा। लाइसेंस नहीं है साहब, टाटा सुमो घोड़ा घोड़ी है साहब। वाह, टाटा घोड़ा सुमो घोड़ी। राम को कब से जानता है? कौन राम? अच्छा अच्छा, वो ताकत की दुकान, वो अच्छा, वो टीचर का बेटा। अरे बचपन से जानता हूँ, जब से पैदा हुआ तब से जानता हूँ साहब। जिगरी दोस्त है तेरा? नहीं नहीं, वो तो भाई जैसा है। क्यों क्या हुआ? सवाल नहीं, जितना पूछूं उतना बोलो। जी साहब, जी साहब। ये राम की माँ को? अरे बहुत अच्छी लेडी है साहब, बेटा बेटा कह के बुलाती है मुझे तो। कैरेक्टर कैसा है उसका? कैरेक्टर मतलब? अरे मतलब किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर की लेडी है वो तो। हर होली दीपावली नए नए कपड़े देती है, उनके कैरेक्टर का जोड़ी नहीं है। तो फिर इतनी अच्छी टीचर का मर्डर क्यों कर दिया? क्या कहा साहब? अबे टीचर का मर्डर क्यों कर दिया? क्यों मार दिया उसे? मुझे पता था साहब, पुलिस वाले उठा के लाए, कुछ ना कुछ झमेला तो जरूर होगा। चल बैठ इधर। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूंगा साहब, शहर छोड़ दूंगा, परमानेंटली चला जाऊंगा। चुप चुप। देख सुन, सच सच बताएगा तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। कसम से सच बोल रहा हूँ कि मैं तो आपसे सुन रहा हूँ कि टीचर का मर्डर हो गया, मैं तो आज ही बाहर से आया साहब। बहुत अच्छी लेडी थी साहब, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नहीं 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 नो बेटा, अरे आप बैठो तो सही। अरे नहीं वो है, बहुत सीधी है, अब कुछ नहीं होगा। अच्छा डर लगता है? मैं नहीं बैठूंगी। क्यों डर लगता है? चलो एक पैर डालो। मैं बैठाता हूं। क्यों जिद कर रहे हो राम? हम है ना, हम दो लोग। ये चल रहा है। गिर गई। क्या हुआ, बैठ गए ना? घोड़ी को हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, बैठ भी गई। राम बस बस, हम अभी पैर अंदर डालो उसमें। उतारो मुझे। अरे ऐसा कैसे उतारो, अब तो ये टीले जाके रुकेगा आपका डर खत्म होने के बाद। चलो यार, बहुत अच्छे, अब लगा हाथ पकड़ो और घोड़ी के रिदम साथ अपना रिदम मिलाओ, बहुत अच्छे। राम, राम, राम।
मम्मी डरो नहीं, बस लगाम पकड़े रखो, आ जाओ आ जाओ, आराम से किसी के नाप। अब तो मैं दो दो घोड़े चला सकती हूँ, सिखाओगी सिखाओगी? सॉरी मम्मी, सॉरी सॉरी, लेकिन मम्मी आपका डर तो खत्म हो गया ना? डर खत्म हो गया, मम्मी झांसी की रानी बन गई। चुप कर, आगे से ये सब किया ना तो देख लेना। देख ले बेटा, नेकी कर कुएं में डाल। बताऊं तुझे? सॉरी मैडम, मैं तो बचपन से सॉरी। मैं जा रही हूँ, राम तू जल्दी घर आ जाना। ठीक है मम्मी। अरे बगैर साउंड हवाई जहाज लेके जा रही हूँ क्या? जा भाई तू भी निकल जा, अब तू तो पहले से निकलता चल। नमस्ते, ये सब तेरा किया धरा है। मगर दारूबाज घोड़े तो तेरे ही हैं। ये अपना फैमिली मैटर है, झंझट में तुम मत पड़ो। ये कहाँ दौड़ा रही इधर? राम, जो मैं देख रहा हूँ तू भी वही देख रहा है क्या? क्या छोड़ छोड़, तू क्या देखेगा, मैं ये सब देख लूंगा। क्या है? बड़े चक्कर काट रही हो क्या? बहुत पसंद आ गया मेरा थोबड़ा। गलत फहमी में मत रहना, लाइफ खराब हो जाएगी तुम्हारी। बहुत कांटे हैं रास्ते में, पंक्चर हो जाएगी तुम्हारी लेडीज मोटरसाइकिल। जस्ट माइंड योर बिजनेस, हटो रास्ते से। अरे बहुत गर्म खोपड़ी है, पटेगा नहीं। गर्म ठंडा है, ठंडा बिल्कुल बर्फ जैसा। अच्छा, पहाड़ पे बर्फ जम जाने से तो क्या अंदर का ज्वालामुखी शांत हो जाता है? कभी भी फट सकता है। हाँ हाँ, देख लूंगी तेरे ज्वालामुखी को। ओके जाओ ट्राई कर लो, और नहीं तो सोच लो। सोच लो, सोचा सोचा। सुनो, धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? एकदम चौपट चल रहा है, टूरिस्ट ही नहीं आ रहे, सीजन एकदम डाउन है। कितना चाहिए? वैसे तो जितने मिल जाए उतने कम है, लेकिन कम से कम 500 से नीचे हमसे नहीं सोचा जाएगा। हाँ हम गिन लेंगे, एक दो तीन चार। साले तू ब्लैकमेल भी करता है लोगों को? ब्लैकमेल नहीं, समाज सेवा है साहब। समाज सेवा मुझे बना रहा है? गलती हो गई साहब। कौन है वो लड़की? आप क्या चाहते हैं सर? तुम जरा बाहर बैठो। क्या बात है खान? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या बात है। मेरे बेटे को बुलाने के बाद भी कोई कसर बाकी रह गई थी क्या, जिसे पूरा करने के लिए आपने मेरी बेटी को बुला लिया? इसके बाद भी कुछ बाकी रह जाए ना तो मेरी बीबी को ही बुला लेना, तसल्ली हो जाएगी आपको। 20 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, 20 साल, लेकिन आज तक किसी ने कभी मेरी तरफ उंगली तक नहीं उठाई, और आप एक टुच्चे से लौंडे के लिए मेरी जिंदगी भर की कमाई इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। सब पता है मुझे क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ये खान, खान लगा है ना मेरे नाम के साथ, इसलिए ये सब कर रहे हैं ना। यही कोई शर्मा जोशी तिवारी या राठी होता ना तो उनके बच्चों को बुलाने से पहले 50 बार सोचते आप। तरस आता है मुझे आप जैसे लोगों पर खान साहब। आपके बच्चों को इंक्वायरी के लिए क्या बुलवा लिया? आपको मेरी नियत पर ही शक होने लगा? मत भूलिए कि आप उस घर के पड़ोसी हैं जिस घर में मर्डर हुआ है, और आपकी फैमिली का उस घर में आना जाना है। आपके बच्चों को यहाँ बुलवाते वक्त मेरे दिमाग में उनका मजहब नहीं था, बल्कि वो शपथ थी जो ये वर्दी पहनते हुए हमने ली थी। वो ड्यूटी थी जिसकी हर महीने हम तनख्वाह पाते हैं। लोग हमारे भरोसे चैन की नींद सोना चाहते हैं, मौत की नहीं। और अगर आपकी जगह कोई शर्मा जोशी तिवारी या राठी होता तो मैं उनके बच्चों को भी जांच पड़ताल के लिए बुला लेता। जरूरत पड़ती तो उनकी बीवी को भी मैं बुलाता पूछताछ के लिए। मुझसे पूछकर नहीं गई थी आपकी बेटी उस लौंडे के साथ इश्क लड़ाने? नाम जूही, बीए फर्स्ट ईयर, फादर सब इंस्पेक्टर, और बेटी एक खूनी से प्यार करती है। इस उम्र में प्यार होना जायज है, लेकिन उसके साथ क्या देखा उसमें? आंसू पोछ लो और सच सच बताओ।
दोबारा नहीं बुलवाऊंगा, वरना बार बार आना पड़ेगा। हम चलते हैं, हमारा तुम्हारा साथ यही तक था। लेकिन तुम तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं है, हमें बहुत जरूरी काम याद आ गया, तुम याद निकल लो, ठीक है? तुम जानो तुम्हारा काम, हमने अपना काम कर दिया। अरे कस्टमर की अरे एक हाथ 500 का पपलू और फिट हो जाता। इंडिया लिफ्ट? नो थैंक्स। अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। अरे बैठ भी जाओ, ये भी घोड़ी ही है, पहिए वाली, सी हिन हिनाती भी है। यू गो। कम ऑन यार, आई एम नॉट गोइंग टू बाइट यू। ज्यादा मत सोचो, चलो अभी चलो ना। I'm sorry. Hello. Thanks सुनने से एलर्जी नहीं है मुझे। Thanks. Thanks. कहाँ से आ रही हो? अब वो रुचि के यहाँ से। ये कहाँ मिल गया था? कौन? टीचर का लड़का। जी वो रास्ते में पैदल आ रहा था, मैंने सोचा लिफ्ट दे देती हूँ। बात सिर्फ लिफ्ट तक ही है ना? जी अबू। ठीक है जाओ। कितनी देर लगेगी मैम? बस थोड़ी देर और। अपने हाथों में मेहंदी लगाए बिना जाने नहीं दूंगी मैं आपको। नहीं जाऊंगी मैं, प्रॉमिस। बस हमेशा जल्दी में रहती है, अपने अब्बू पर गई है ना। मैडम हो गया, 100 लोग भी चाहे तो मिलके दरवाजा तोड़ नहीं पाएंगे। रहने दो, मेरे बेटे को तुम नहीं जानते, ये लो। राम, राम, राम।
हैप्पी बर्थडे मम्मी। मेरा गिफ्ट? बोलो माते, क्या चाहिए? जो मांगू मिलेगा? अवश्य, वचन देता हूँ माते। सोच लो पुत्र, मुकर मत जाना। प्रतिज्ञा लेता हूँ माते, बोलो क्या चाहिए? अपना सामान पैक कर लो। क्या माते? और उस दिन राम हॉस्टल चला गया, फिर हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई सर। अच्छा, बाय सर। करो, तुम्हारे अब्बू ने राम के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? साहब, इसकी जमानत हो गई है। आइंदा यहाँ आने की नौबत ना आए। निकलो यहाँ से। बोलो। माँ अपने बच्चों का हाथ कुछ दूर तक ही थामती है, लेकिन दिल में उनके हमेशा रहती है। बेटा राम, राम, क्या कर रहा है? प्रैक्टिस फॉर आत्मरक्षा। क्या? अगर हॉस्टल में किसी ने मेरी रैगिंग ली ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कृष्ण ने भी कहा गीता में, जो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता वो कायर है। हे भगवान, ये क्या किया? एक सीनियर को छत से नीचे फेंक दिया। चलो चलो राम, एक मिनट, तू चल, तू घर चल। क्यों? हम तो हॉस्टल जा रहे हैं ना। हम हॉस्टल नहीं जा रहे, तू यही ठीक है मेरे पास। नहीं मम्मी, मैंने आपकी कसम ली है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वापस ले ली अपनी कसम, तू चल। ऐसे नहीं, सीधा दो ऐसे। मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ, बस। यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मे बंधनान मित्रमुच्छे मावतान। अरे बेटा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जाओ, मामा जी के घर जाना है। जी। Hey!
से बात यहां तक पहुंच गई। अबू, मैं तो मैम से नोट्स लेने। बेवकूफ समझाया मुझे। बेवकूफ समझती मुझे। अबू, अबू, नहीं। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। बच्चे को तुम चुप रहो। अपने जैसा बनाना चाहती हो इसे? क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं आप? बहुत भोली बन रही हो। दूर रखो अपने पागल बेटे को मेरी बच्ची से। शट अप मिस्टर खान, तमीज से बात करिए। अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी औरतों से कैसे निपटा जाता है अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। जैसी औरत? क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अच्छी तरह पता है क्या कहना चाहता हूँ मैं। क्यों छोड़कर चला गया था तेरा पति? इस पागल को तेरे पेट में छोड़ के? अब बोल, बोल ना, चुप क्यों हो गई? क्या हुआ मम्मी? हा? कुछ नहीं, तो अंदर चल। हाँ, ले जाओ उसको अंदर और समझा दो कि औकात में रहे। अरे मैंने क्या किया मम्मी, ये इस तरह से क्यों बोल रहा है? अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुधरा ना तो लॉकअप में डाल के इतनी मार मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। मम्मी से बोलो छुपा जाएगा। वरना 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 क्या वरना क्या? इस वाले को धमकी देता है, साले ऐसे केस में अंदर डालूंगा कि जिंदगी भर सड़ता रहेगा। छोड़ना, अरे छोड़। और तू इस घर के आसपास भी देखा ना तुझे, तो मैं तुझे तो क्या करेंगे आप? मार देंगे मुझे? चुप। अबू, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो पूरी दुनिया सर में उठा रखी है आपने? चुप करा इसे। नहीं चुप होगी मैं, अगर आप लोग मैरिज कर सकते तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि तेरी माँ हरामी नहीं थी और ना ही पागल थी। अबू, इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकते हैं आप? मैं सिर्फ बात ही नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो कीजिए जो करना है, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। अच्छा ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन। खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। अच्छा, वो जो आज हथियार पकड़े थे हमने, उसमें आगे कुछ पता चला? नहीं साहब। अच्छा देखो, एक लड़के पे शक है मुझे, वो उसी इलाके में घूमता हुआ दिखा था जहाँ से हथियार पाए गए। एक रिपोर्ट तैयार करो सर। हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। नाम? राम कौशल। बाप का नाम? बाप नहीं है। सब तेरी वजह से हो रहा है अम्मी। माँ का नाम अर्चना कौशिक, स्कूल टीचर है। अबू प्लीज ऐसा मत कीजिए। अबू मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। लिखा? कभी बात भी नहीं करूंगी। अबू अबू प्लीज, प्रॉमिस करती हूँ कभी उससे मिलूंगी नहीं, कभी बात भी नहीं करूंगी। प्लीज अबू मान जाइए। अबू ऐसा मत कीजिए, प्लीज अबू मत कीजिए ऐसा, प्लीज अबू मान जाइए। अच्छा सुनो, मेरे ऑर्डर के बिना ये केस प्रोसीड मत करना, अभी केवल शक है, सबूत मिलने पर कार्रवाई करने के लिए बोलूंगा। ओके ओके सर। याद रखना जी अबू। आगे से तुझे उस हरामजादे के साथ देख लिया ना तो हाथ पांव तोड़ के घर में बिठा दूंगा। चल सब। यू कैन गो नाउ। सर, मुझे पूरा यकीन है राम ने कुछ नहीं किया। प्यार अंधा होता है, डोंट फॉलो दैट, कुछ हासिल नहीं होगा। और हाँ, आंसू पहुंच कर बाहर जाना, वरना तुम्हारे अब्बू को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं मानते तो आप अपने भाई को।
पर यहाँ पुलिस स्टेशन ले आइए। क्या देख रही हो उधर? अभी कुछ और बाकी है क्या? चल को भिजवाओ सर। और हाँ जी सर। ठीक सर। मारा अपनी मां को? घूरता है साले। बस क्यों मारा अपनी मां को? किसके साथ था उसका चक्कर? कौन आता था तुम्हारे घर पर? रुक जाओ। ले जाओ इसे। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले की हैं। हम आपको उन जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कहीं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देने चाहिए हरामजादों को। 47 थमा दिया जाता है और उनके दिमाग को तैयार किया जाता है। लीजिए लो समीर। जुई ने नाश्ता किया? क्या करूं मैं इस लड़की का? उधर उस गूंगे ने परेशान करके रखा है। कुछ बोले तो केस रफा दफा हो। किसी दिन इतनी मार मारूंगा हरामजादे को कि हर जगह से बोलेगा। नो सर, वो कुछ नहीं बोल रहा है। यस सर, उसे कोर्ट ले जा रहे हैं। उसका रिमांड खत्म हो गया है। वहां से सीधे उसे डॉक्टर नेगी के यहाँ एडमिट कराने ले जाएंगे सर। यस सर, मैं पहुंच रहा हूँ बस। जी अजय। जी सर। राम को 2 बजे तक कोर्ट पहुंचा देना। ओके सर। मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से सीधा कोर्ट पहुंचूंगा। राइट सर। ठीक है। इरशाद हुसैन। क्या क्या खोया? जी पर्स खो गया। अच्छा। हेलो सर। चैन। हेलो, कैसा है समीर? फाइन सर। अरे खान साहब तो राउंड पे गए हैं। सर वो अब्बू से नहीं राम से मिलना था। क्या? राम से मिलना था। पागल हो गया क्या तू? उससे मिलने की परमिशन नहीं है किसी को? प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट। अरे मरवाओगे क्या यार तुम? ऐसे उसने परेशान कर रखा है, तुम और आगे मिल ले। मैं उसे समझाने आया हूँ, सब बात बता देगा वो। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्लीज। ठीक है यार, लेकिन जल्दी करना। थैंक यू सर। राम, राम, ये क्या हुआ यार? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। जो भी हुआ उसे भूल जा और अपनी गलती मान ले यार। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तू चुप मत रह, मान जा भाई, नहीं तो अब्बू तुझे बहुत मारेंगे। समीर जल्दी कर मेरे भाई, खान साहब आ गए तो दोनों की बारात निकाल देंगे खड़े खड़े यहीं। सिर्फ 2 मिनट सर, प्लीज जल्दी कर यार, प्लीज। अगर तू मान लेगा ना
तो तुझे सजा भी कम होगी यार, लेकिन इस तरह चुप रह के अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर यार। राम, जो मैं कह रहा हूँ तू समझ रहा है ना? देख, मैं नहीं चाहता हूँ ये लोग तुझे टॉर्चर करें, मैं तेरा भला चाहता हूँ। राम, तू नहीं जानता अब्बू बहुत मारते हैं। इससे किसने आनंद दिया अंदर? ए, क्या कर रहे तुम? चलो यहाँ से। अब्बू आ गए। चलो यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मम्मी कुछ बोलो। मम्मी किसने किया ये? तो मम्मी भूख लगी है। मम्मी कौन है वो? मम्मी सो रही है ना? मम्मी
सर वो लड़का थाने से भाग गया। घर पे ट्राई किया। थैंक यू डॉक्टर, चलो। ये मम्मी ने दिया था मरते समय और ये इसकी शर्ट का है। नहीं अब्बू, ये झूठ बोल रहा है, अब्बू ये झूठ बोल रहा है, पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या बक रहा है अब्बू। हराम खोर, तूने क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया बोल, क्यों किया तूने? मेरे नाम पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, सच सच बता, तूने इसकी मां को क्यों मारा? सच बता, वरना सारी गोलियां तेरे भेजे में फटूंगा। बता। अब्बू की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। उसने कौम की खिदमत के लिए आ रहे हथियारों को पकड़ा है।
या अल्लाह रहम कर। खुदा हाफिज। समीर जी बैठो। इसे पढ़ो, ताकत मिलेगी। जी। और हाँ, थोड़ा एहतियात बरतना। जी, खुदा हाफिज। मैं तो बस यूं ही देख रहा था मैम, प्लीज मैम। ठीक है, दो मुझे, ला मुझे दो। मैम अभी बताती हूँ तेरे अब्बू को, दिखा दूँ उन्हें। नहीं 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 मैम, अब्बू को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे मैम, प्लीज उनसे मत कहिए मैम, प्लीज मैम। ये बिचुमी, ये बिचुमी ना। प्लीज मैम, मेरी बात सुनिए मैम, प्लीज। आई एम नॉट टेररिस्ट मैम। ओके, लेट द पुलिस डिसाइड। प्लीज मैम, हटो। फोन रख दो वरना मार दूंगा। मैं बोल रहा हूँ मैम, फोन रख दो मैम। वेरी गुड, मारेगा तू मुझे? मार, मैं भी देखती हूँ तू क्या करेगा। मैं मार दूंगा मैम, मैं सच बोल रहा हूँ मैम। अब तो तुझे तेरा बाप ही संभालेगा। फोन रख दो मैम, मैं मार दूंगा मैम। छोड़ दो मुझे, जाने दो। लाओ गांधी दर्जो। समीर ले जा दो। गंदो। मार दूंगा मैं। अरे बच्चे गंदे। देखो, देखो, मैं मार दूंगा। देखो, बेवकूफी मत करो गांधी दर्जो। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। ये क्या किया समीर तूने? समीर, हट जाओ। मैं चला दूंगा आपको। क्या कर रहे हो तुम? देखो, पागल मत बनो। क्या कर रहे हो तुम? मार दूंगा आपको। समीर बेटा, ये क्या किया तूने? Oh!
माँ हर कौम से बड़ी होती है सभी। क्या है तुझे ये पता